डेटा साइंस एक इमरजेंट टॉपिक है जिसकी नॉलेज होना सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम आपको डेटा साइंस के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। डेटा साइंस क्या होता है, कैसे वर्क करता है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। डेटा साइंस, डेटा साइंस एक मल्टीडिसिप्लिनरी फील्ड है जिसके अंदर नॉलेज को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा से, बाय यूजिंग ऑफ साइंटिफिक मेथड, प्रोसेसेस, एल्गोरिथम्स एंड सिस्टम्स। लेकिन अपन ये देखते हैं कि डेटा साइंस की ज़रूरत क्या आ गई। पहले देखिए, डेटा बहुत कम होता था तो हम यूज़ करते थे MS Excel। उसके बाद में डेटा इंक्रीज होना चालू हुआ तो हमने यूज़ किया SQL, PL SQL। उसके बाद में देखिए DBMS पे अपन ने काम स्टार्ट किया, RDBMS पे अपन ने काम स्टार्ट किया। लेकिन देखिए, डेटा का वॉल्यूम जब बहुत ज़्यादा हाई हो गया, आज आप देख रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं आप, M-कॉमर्स यूज़ कर रहे हैं, e-commerce ऐप यूज़ कर रहे हैं आप, थाउजेंड्स ऑफ ऐप्स हैं वो आप यूटिलाइज करते हैं, वो मोर देन 100 ऐप्स वो होती हैं जो आप लगातार यूज़ करते हैं। तो देखिए, जब अपन इतना ज़्यादा डेटा पे बेस्ड वर्क कर रहे हैं तो हमें ज़रूरत पड़ती है डेटा साइंस के लिए। डेटा साइंस की ज़रूरत किसको पड़ती है, डेटा साइंस की जो ज़रूरत पड़ती है वो पड़ती है बिजनेस हाउसेस को, MNCs को, जिससे कि वो अपने प्रोडक्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑफर में बेच सकें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट वो गेन कर सकें।